मंगलाचरण के लिए करवाते हो जाएंगे। आज उत्तम
संयम का दिन है। सरोवर की शोभा जल से नहीं कमल से होती है। वृक्षों की शोभा पत्तों से नहीं फूल और फल से होती है। उसी प्रकार से मानव जीवन की शोभा वस्त्रों से नहीं आभूषणों से नहीं संयम धारण करने से होती है। संयम की परिभाषा करते हुए कहा है सात्व्य भाव में संयम जो सात्व्य प्रगति है वह क्या है संयम है। सम्यक प्रकार से या कहें भली प्रकार से यम और नियम का पालन करना संयम कहलाता है। यम किसे कहेंगे और नियम किसे कहेंगे। यम जो आजीवन पाला जाता है वह यम कहलाता है और नियम कुछ समय के लिए लिया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने नियम लिया है कि हम 10 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे, चटाई पर सोएंगे, एक बार पानी लेंगे, एक बार अन्न की वस्तु लेंगे, एक बार मुख जूठा करेंगे, 10-5 हरी से ज्यादा नहीं लेंगे, इतने अन्न लेंगे, यह सब क्या है? क्या है? नियम है कि हम 10 दिनों तक 11 दिन तक संयम से रहेंगे। हमारे आचार्यों ने संयम को 2 भागों में विभाजित किया है, एक इंद्रिय संयम है और दूसरा प्राणी संयम है। इंद्रिय संयम जो 5 इंद्रिय है उन पर कंट्रोल करना, स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय क्या कह रही है, इस तखत पर नहीं सोया जा रहा है, क्या चाहिए दल्लभ का गद्दा चाहिए। कल एक भाई बोले कि मैंने बिस्तरों का त्याग कर दिया, 11 दिन तक, लेकिन रात्रि में मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? जो आदत पड़ी हुई है किसकी? गद्दों की। और गद्दे में भी कौन सा गद्दा? मोटा सा दल्लभ का गद्दा। क्या बढ़िया नींद आती है? आती है कि नहीं?
और एक दिन चटाई पर सुला दे, नहीं आएगी। एक राजा प्रतिदिन फूलों की सैया पर सोया करता था। उसके महल में जो एक नौकर था, वह प्रतिदिन फूलों से सैया को सजाया करता था। एक दिन नौकर के मन में आया, क्या आया कि प्रतिदिन मैं किसके लिए सजा रहा हूं? राजा के लिए। प्रतिदिन इसमें राजा सोता है। एक दिन अनुभव करके तो देखो, घड़ी देखता है, अभी राजा के आने में देरी है। सो जाओ, थोड़ी देर आनंद तो ले लो, बस सैया तैयार करके और उस पर सो गया, लेट गया। और लेटते ही क्या आ गई, मुलायम मुलायम गद्दा मिला सोने को, फूलों से सेज मिली, आराम से नींद आ गई। पूरे दिन का थका हुआ था, नींद में भूल गया, स्वप्नों की दुनिया में खो गया। उतने में कौन आ गया, राजा आ गया। राजा ने देखा मेरी सैया पर यह नौकर, यह दो कौड़ी का आदमी सो रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? और एक डंडा उठाता है और नौकर को मारने लगता है। नौकर की नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद भी कोड़े लगाना प्रारंभ है, डंडे से मारना प्रारंभ है। और नौकर क्या कर रहा है, हंस रहा है। नौकर रो नहीं रहा, वह क्या कह रहा है, क्या चिंतन चल रहा है? राजा ने उससे पूछ लिया कि तू क्यों हंस रहा है, तो वह क्या बोला, राजन मैं थोड़ी सी देर इस सैया पर सोया तो मुझे इतने कोड़े पड़े, आप तो प्रतिदिन इस सैया पर सोते हैं, आपको कितने कोड़े पड़ेंगे? राजा उसी समय सचेत हो जाता है। वह अपनी भूल को स्वीकारता है कि मैं कहा इतने जीवों की प्रतिदिन मेरे माध्यम से हिंसा हो रही।
करके आ रहे थे। मैंने अपने सुख के लिए कितने जीवों का विघात किया। इस प्रश्न इंद्रिय के बाद कौन सी इंद्रिय है? रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय पर संयम कैसे धारण करें? जैसे अभी आप लोग 10 दिन धारण किए हुए हैं, आज क्या खाना है? समोसे? पीछे कह रहे समोसे खाना है। बंदा बन रहा है कि समोसे खाना है, कचौरी खाना है, हलवा खाना है, रसगुल्ले खाना है, गुलाब जामुन खाना है। लेकिन रसना इंद्रिय पर कंट्रोल कैसे करें? नहीं, बहुत समय से खाते आ रहा हूं, यह पर्व मात्र 10 दिनों का है। 10 दिन यदि मैं नहीं खाऊंगा तो मेरा कुछ बिगड़ेगा क्या? ये स्वाद कहां तक का है? कहां तक का है? जीव तक का स्वाद है। किसी को किसी चीज की लत होती है, किसी को किसी चीज की लत होती है। एक भाई से कहा कि भाई तुम पान खाते हो, गुटखा खाते हो, कम से कम 10 दिन के लिए तुम छोड़ दो। छूट सकता है कि नहीं? छूट सकता है, लेकिन छोड़ना? अरे यह मन बड़ा चंचल है। हम मन के पीछे भाग रहे हैं, हमें मन के पीछे नहीं भागना है। मन को हमें अपने में लाना है, मन को बस में करना है। मन के पीछे भागोगे तो हमेशा कहां करती हो? मन दो अक्षर से मिलकर के बना है, मां और ना। मन को बस में कर लोगे तो मोक्ष चले जाओगे, मां से मोक्ष और ना से नरक। और मन के बस में हो जाओगे तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? जोर से तो बोल दो। मन को बस में कर लोगे तो मोक्ष जाओगे, और मन के बस में हो जाओगे तो कहां जाओगे? नरक जाएंगे। आज उत्तम संयम का दिन है। जो रसना इंद्रिय मांगे उसे कह देना आज कि तू हमेशा मांगती है और मैं देता हूं, लेकिन आज तेरी और मेरी क्या होगी? लड़ाई होगी। आज तुझे जो कर पाए मैं कर ले, लेकिन मैं तेरे से कम नहीं हूं।
आज मैं तुझे हरा करके ही रहूंगा। कैसे नहीं मानती है, और मनवा करके ही रहता है ज्ञानी जीव और अज्ञानी जीव। स्वयं समझदार है आप ज्ञानी है कि अज्ञानी है। कम से कम कोई व्यसन आपके अंदर हो तो कम से कम आज के दिन का तो त्याग कर देना कि मैं आज कोई सिगरेट नहीं पीऊंगा, कोई बीड़ी नहीं पीऊंगा, किसी भी प्रकार के कोई भी व्यसन हो कि तंबाकू नहीं खाऊंगा, पान नहीं खाऊंगा, सुपारी नहीं खाऊंगा। आज संयम का दिन है। यदि 6 बार पानी पीते हो तो 5 बार कर देना, 5 बार पीते हो तो 4 बार कर देना। कुछ ना कुछ आज त्याग जरूर करना, अपने जीवन में संयमित बनाना। रसना इंद्री के बाद किसका नंबर आता है? घ्राण है। ये घ्राण इंद्री क्या कह रही है? वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, शरीर पर सेंट छिड़क लिया, पाउडर लगा लिया, क्रीम लगा ली, किसे सजा रहे हो? इस शरीर को जो कि एक दिन धोखा देने वाला है, इस शरीर को सजा रहे हैं। अरे चिंतन करो, अनादि काल से सजाते आ रहे हैं, संवारते आ रहे हैं। क्रीम पाउडर लिपस्टिक अनेकों चीजें लगाते आ रहे हैं। हम इन 10 दिनों में नहीं लगाएंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? कौन करता है चिंतन? सम्यक दृष्टि जी, ग्लानी नहीं करता है, दुर्गंध नहीं आ रही है तो भी उससे ग्लानी नहीं करता है। घ्राण इंद्री के बाद किसका नंबर है? चक्षु इंद्री का। चक्षु इंद्री क्या कह रही है? अरे चलो, वहां पर बढ़िया सा नाटक हो रहा है, बढ़िया सा डांस हो रहा है, आज देख करके आते हैं, बढ़िया सी पिक्चर लगी हुई है टॉकीज में, लेकिन संयमी जीव क्या कहता है? नहीं, पिक्चर तो बहुत होती है, नाटक तो बहुत देखी है, आज मैं प्रभु के दर्शन कर लूं, प्रभु की अर्चना कर लूं, प्रभु के सामने बैठ करके भक्ति कर लूं, गुरु के दर्शन कर लूं। के बाद
मंगल किसका है? कर्ण इंद्री का है। कर्ण इंद्री क्या कह रही है? क्या बढ़िया गाना चल रहा है काहे का? पिक्चर का क्या बढ़िया, वाह! और बार बार गाने सुनते हैं कई लोग तो अपने मोबाइल में भी बढ़िया बढ़िया से गाने लगाते हैं। अरे जिस मोबाइल में ट्यून आती है उसमें कम से कम भगवान का नाम डाल लो, भगवान का भजन डाल लो। जितने बार आपके मोबाइल में फोन आएगा उतने बार तो कम से कम प्रभु का नाम स्मरण होगा और आप भजन की जगह पिक्चर के गाने डालोगे तो मन बार बार वही राग में चला जाएगा। ये कर्ण इंद्री कह रही है कि गाने सुनने हैं, लेकिन ज्ञानी जीव क्या कह रहा है? गाने तो मैं हमेशा से सुनते आ रहा हूँ, आज हमारे मंदिर में साधु आए हुए हैं, उनके प्रवचन सुन लो। पता नहीं कौन सा शब्द मेरे काम आ जाए, एक शब्द भी यदि हमारे जीवन में उतर गया तो वे हमारे लिए कार्यकारी बन सकता है, मोक्ष मार्ग में कारण बन सकता है। पांच इंद्रियों के बाद इंद्रिय संयम के बाद प्राणी संयम, त्रस्त जीवों का घात नहीं करना, दो इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय जीवों का घात नहीं करना, हिंसा नहीं करना, क्या कहलाता है? प्राणी संयम कहलाता है। किस प्रकार से घात नहीं करें? जब आप चलते हैं तो कैसे चले? सामने देख करके चले। कई लोग चलते हैं ठोकर लग जाती है, फोन पर बात कर रहे हैं, ध्यान कहीं है और चल कहीं नहीं है। कई लोगों की आदत होती है जब फोन कहीं से आता है तो एक जगह बैठ कर के फोन नहीं करते हैं, जैसे ही फोन आया उठ कर के चले गए। अरे उठ कर के ही जाना है, दूसरों के सामने बात नहीं करनी है तो दूसरी जगह जाकर के बैठ कर के कर सकते हो। आप फोन कर रहे हैं, घूम घूम करके फोन कर रहे हैं, आपका ध्यान नीचे नहीं है, आपका ध्यान फोन की तरफ है। जितने भी छोटे छोटे जीव होंगे, त्रस्जीव होंगे, चीटियां होंगी, वे यदि आपके पैरों से एक भी चीटी मर गई, एक भी जीव का घात हो गया तो आपको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? चिंतन करना मात्र, जो संयमी जीव होता है, जो अनुमति होता है, वह संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है,
घात नहीं करता है। जितने जल की आवश्यकता हो कई जगह देखने में आता है, और खास करके सामूहिक जो स्थल होती है उसमें पानी की टोटी खुली है तो खुली रह जाती है, पानी का छल्ला बंधा है तो बंधा रह जाता है। एक बार कहीं पर गई और वहां पर देखा एक छल्ला बंधा हुआ है, छल्ला भारी सा हो रहा था, बाहर से काला काला हो रहा। मन देख करके परेशान हो उठा। एक और मन कह रहा है कि तुझे दोष लगेगा, छलना खुलवा लिया तो, क्योंकि ये साधु का कर्तव्य नहीं है। लेकिन दूसरी ओर मन कह रहा है कि ये छलना नहीं खुला तो इसमें यदि कोई जीव जीवित हो और बंधा रहेगा तो मर जाएंगे। किसी भाई से कहा, भाई इस छल्ले को थोड़ा सा देख लो। उस भाई ने छल्ला खोला, उसमें टंकी से जो पानी आ रहा होगा महीनों से छल्ला नहीं खुला, उसमें बारीक बारीक जीव असंख्यात मरे हुए थे। खैर आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, घर में यदि छन्ना बांधते होंगे, घर में यदि थैली बांधते होंगे तो जिस समय जरूरत होती होगी उसी समय बांधते होंगे, और बाद में ऐसे ही करते हो ना। कहीं ऐसा तो नहीं कहते कि सुबह बांधी और रात तक के लिए बांध करके छोड़ दिया। यदि ऐसा करते हो तो मत करना। आपको कोई बांध दे किसी पोल्ट्री के अंदर, कहाँ डालते थे, तुरंत कुएं के अंदर। और अब आप क्या करते हो, छलने को नल में बांध देते हो, पानी के साथ जो जलकाय के जीव आते हैं वे उसी में मर जाते हैं, और सारा पाप चिंतन करना। पृथ्वी गाय, जल गाय, अग्नि गाय, जितनी जरूरत है उतनी लाइट का प्रयोग करो, जितनी जरूरत हो उतनी देर अग्नि को जलाओ। बिना प्रयोजन के कुछ लाइटें जलती रहती है, उससे क्या होता है, अग्नि का जीवों की विराधना होती है। अग्नि का जीवों के साथ साथ जो ग्रस्त गाय के जीव है, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीवों का भी विघात हो जाता है। वायु का एक जीव जरूरत हो तो ही पंखे को चला, और नहीं तो बैठे भी नहीं है फिर भी बाहर चल रहा है। वायु का एक जीवों की हिंसा होती है, हमें इन हिंसा से बचना है, और इस बचने के लिए हमें संयम को धारण करना है। के लोग
अभी भी लोग रात्रि भोजन का त्याग करते हैं कि नहीं? और नहीं भी करते होंगे तो कम से कम इन 10-11 दिन तक तो कोई भी रात्रि में भोजन नहीं करता होगा। एक बार एक व्यक्ति को किसी महाराज ने रात्रि भोजन त्याग का नियम दे दिया। ध्यान रखना, नियम लिए जाते हैं, नियम दिए नहीं जाते। नियम लेने की चीज है, नियम देने की चीज नहीं है। मुनिराज ने रात्रि भोजन का त्याग करवा दिया। किसी मुनिराज का विहार हो रहा था, वहां पर शाम को जब पहुंचे और शाम को पहुंचने के बाद रात्रि होने वाली थी, वहां के लोगों ने कहा, भाई जो दिन से भोजन करते हैं वे खड़े हो जाओ। तो दिन से भोजन करने वाले में से कितने खड़े हुए? मात्र कितने? एक। उनसे पूछ लिया गया कि भाई आप दिन से भोजन करते हो क्या? तो बोले हाँ, वो फलाने महाराज जी आए थे उनके चक्कर में। क्या कहा? वो फलाने महाराज जी आए थे उनके चक्कर में फंस गया। तब से क्या कर रहा? दिन में भोजन कर रहा हूं। पूछ लिया गया, भाई कितने साल हो गए? बोले 20 साल हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। 20 साल हो गए रात्रि में भोजन नहीं कर रहा, लेकिन मन में क्या है कि मैं फलाने महाराष्ट्र के चक्कर में फंस गया था। तो 20 साल से रात्रि में भोजन ना करते हुए भी वह पुण्य का संचय कर रहा है कि पाप का? और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो दिन में नहीं खा पा रहा है, मजबूरी है, दुकान से लेट आता है और सोच रहा है कि हे भगवान, मेरे कौन से पाप कर्म का उदय चल रहा है, वह पुण्य का उदय कब आएगा कि मुझे दिन से भोजन मिलेगा? तो वह क्या कर रहा है? वह जब भी रात में खा रहा है, लेकिन चिंतन वह क्या कर रहा है कि दिन का चिंतन कर रहा है। बात संयम की चल रही है कि हमारा जीवन संयमित कैसे हो, किस प्रकार से संयम हमारे जीवन में आए। एक बार आहारचर्या के लिए कहीं पर पहुंची तो वहां पर एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था। अंदर खड़ा व्यक्ति कह रहा है, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। आहार के बाद मैंने पूछा, भाई
मुझे यहाँ आए 2 महीने हो गए, अभी तक आपको मंदिर जी में नहीं देखा। बोले मेरा मंदिर आने का त्याग है। क्या बोला? मेरा मंदिर आने का त्याग है। मैंने कहा लोग तो मंदिर आने का नियम लेती है, त्याग तो गलत वस्तु का दिया जाता है, आप मंदिर आने का त्याग कर रही हो। बोले वो फलाने महाराज जी आए थे, मैं मंदिर जाया करता था तो वे प्रतिदिन कहते थे कि कुछ नियम ले ले, कुछ नियम ले ले, आज का कुछ नियम ले ले। तो मैंने क्या नियम ले लिया? महाराज जी आज से मैं मंदिर नहीं आऊंगा। कितने साल हो गए? बोले 26 साल हो गए। कितने? 26 साल हो गए मैंने मंदिर की देहरी पर पैर नहीं रखा। पाप कर्म का उदय है कि पुण्य का? पाप कर्म के उदय में ऐसे भाव बने कि मंदिर नहीं गया। जब समझाया समझ में आ गई और पुनः मंदिर जाना शुरू कर दिया। कि धर्म का स्वरूप क्या है? सुगंध दशमी व्रत की कथा आती है। प्रियंकर राजा और मनोरमा रानी दोनों धर्म से जुड़ थे। जरासी भी धर्म के प्रति लालसा नहीं थी, धर्म की जागृति नहीं थी। एक दिन उसी मंदिर में सुगुप्त नामक मुनिराज आहारचर्या के लिए आए। के माध्यम से क्रश हो गया था, हड्डियां हड्डियां नजर आ रही थी। मुनिराज के ऊपर ग्लानी करके कि देखो तो कैसे हड्डियां हड्डियां दिख रही है, ये नंगा क्या कह रही है? यह जो नंगा है क्या इसे खाने को नहीं मिलता है? ग्लानी कर ली, घृणा कर ली और पान चबा रही थी। मुनिराज को देख करके मुनिराज के ऊपर पान की पीठ थूक दी। जब मुनिराज के ऊपर पान की पीठ थूक दी, मुनिराज अंतराय करके बिना आहार लिए वहां से चले जाते हैं। परिणाम क्या निकलता है? काल सामने आ गया, मर जाती है और मर करके
सुकरी बन जाती है। क्या बनती है? सुकरी बनती है। और अनेकों पर्यायों में इस तरीके से मात्र मुनि की निंदा करने से, मुनि के ऊपर ग्लानी करने से, पीठ थूकने से कभी सुकरी बनती है, कभी कुकरी बनती है, कभी कुत्ते की पर्याय में जाती है। पता नहीं कितनी पर्यायों में वह चली जाती है। और फिर वहां से निकल करके आती है तो मगध देश के राजा ने यहां पर कन्या के रूप में उसका जन्म होता है। अनेकों पर्यायों को धारण करने के बाद जन्म ही मनुष्य पर्याय में हो गया तो वहां भी शरीर कैसा मिला? दुर्गंधित शरीर मिला, इसीलिए उसका नाम दुर्गंधा रखा गया। उसके पास बैठना कोई भी पसंद नहीं करता था, उसके शरीर से इतनी बदबू आती थी। एक दिन नगर के बाहर उद्यान में किसी मुनिराज का आना हुआ। जब मुनिराज का आना हुआ, राजा को पता चला तो राजा भी अपनी बेटी को लेकर के मुनिराज के चरणों में गया और नतमस्तक होकर के बैठ गया और गुरुदेव से कहने लगा, मुनिराज से कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। यह जो बेटी है, इसने पूर्व में ऐसे कौन से कर्म किए थे कि इसके शरीर से दुर्गंध निकलती है, इसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता है। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। मुनिराज ने बताया, राजन, इसने पूर्व भाव में अहंकार में आकर के कि मैं एक राजा की रानी हूं, मुनिराज को देख करके, उनके क्रश शरीर को देख करके ग्लानी की थी और उनके ऊपर पान की पीठ थूकती थी। उसका परिणाम इसका शरीर दुर्गंधित हुआ है। राजा ने पूछा, महाराज श्री, अब क्या उपाय है कि इसके जो पाप है वह सहज में कट जाए? इसने जो कर्म किए हैं उन कर्मों से मुक्ति कैसे मिले, बताइए गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष में भादु के महीने में शुक्ल पक्ष में दशमी आती है। दसवीं के दिन शीतलनाथ भगवान की पूजन करना, अर्चना करना और उनके नाम की जाप करना, उपवास करना, 10 साल तक करते रहना और बाद में जब 10 साल पूरे हो जाए
तो उद्यापन कर देना, तुम्हें भगवान की अर्चना विधान करना। मूर्तियों के द्वारा जो बताया गया, दुर्गंधा ने बड़ी भक्ति भाव के साथ पूजन की अर्चना की और बाद में आयु का जब अंत हुआ, मर करके स्वर्ग गई। स्वर्ग में अपना समय पूरा करके पुनः मगध देश की राजा के यहाँ पर आ गई। वहां पर उसका नाम मदनावती रखा गया। मदनावती की शरीर से क्या आती, खुशबू आती, इसीलिए उसका नाम मदनावती रखा गया। सुगंधित शरीर उसका विवाह बड़े होने पर हो गया। और जब शादी हुई, दोनों धर्मात्मा थे। एक दिन उन्हें पता चला कि मुनिराज आए हुए हैं, वे दोनों पति पत्नी मुनिराज के दर्शन करने के लिए गए। और वहां पर जाकर के मदनावती के पति ने पूछा, गुरुदेव इसके शरीर से सुगंध क्यों आती है, खुशबू क्यों आती है? गुरुदेव ने बता दिया कि पूर्व पर्याय में यह दुर्गंधा थी, इसने शीतलनाथ भगवान की अर्चना की, पूजन की, 10 वर्षों तक इसने क्या किया, व्रत किया, उपवास की, जाप की, इसका परिणाम इसका शरीर सुगंधित हुआ है। सुनते ही मदनावती के मन में वहीं पर वैराग्य के भाव आ जाते हैं। कहती है, पूजन करने मात्र से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और वह भक्ति में लग जाती है, वैराग्य की ओर बढ़ जाती है और स्त्री पर्याय का छेदन करके मोक्ष की प्राप्ति करती है। स्त्री पर्याय का छेदन करके कहा जाती है, तुम्हें देव जाती है, नहीं तो आप गलत ले लो कि तुरंत मोक्ष चली गई। स्त्री पर्याय का छेदन करके वह देवगति की प्राप्ति पुनः करती है और वहां से आकर के पुरुष बनती है और पुरुष बन करके मुनि बन के, स्त्री पर्याय का छेदन हो गया था और मुनि बन करके मुक्ति सुख को प्राप्त करती है। तो बंधुओं, उत्तम संयम का दिन है। हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ संयम, चाहे आप छोटा सा भी नियम लें, आज उत्तम संयम के दिन आप आजीवन भी नियम ले सकते हैं कि मैं आजीवन, आज से मैं यह नियम लेता हूँ। आजीवन नहीं ले सकते हूँ,
वर्षों के लिए ले लो, कुछ वर्षों का नहीं ले सकते हो तो एक वर्ष का ले लो, एक वर्ष का नहीं ले सकते हो कुछ महीने का ले लो, दीपावली तक का ले लो और उतना भी नहीं ले सकते, एक महीने का और एक महीने का भी नहीं ले सकते तो कम से कम जितने दिन बचे हैं 5 तारीख तक का ले लो और उतना भी नहीं ले सकते तो कम से कम आज का तो ले ही लेना, और आज का भी नहीं ले सको तो घंटे 2 घंटे का तो ले ही लेना, तो कम से कम इतना लोगे और हो सकता है उसके बीच में आपके आयु का वध हो जाए, गति का वध हो जाए तो आपको देर गति जाने से कोई नहीं रोक सकता। बोलिए उत्तम संयम धर्म की वाणी स्तुति के लिए करवत हो जाएंगे। जापानी के ज्ञान से हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन देन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। बाबा नमस्कार। पानी की टोटी खुली है तो खुली रह जाती है, पानी का छन्ना बंधा है तो बंधा रह जाता है। एक बार कहीं पर गई और वहां पर देखा एक छन्ना बंधा हुआ है, छन्ना भारी सा हो रहा था, बाहर से काला काला हो रहा। मन देख करके परेशान हो उठा। एक और मन कह रहा है कि तुझे दोष लगेगा, छन्ना खुलवा लिया तो, क्योंकि ये साधु का कर्तव्य नहीं है। लेकिन दूसरी ओर मन कह रहा है कि ये छन्ना नहीं खुला तो इसमें यदि कोई जीव जीवित हो और बंधा रहेगा तो मर जाएंगे। किसी भाई से कहा, भाई इस छन्ने को थोड़ा सा देख लो। उस भाई ने छन्ना खोला, उसमें टंकी से जो पानी आ रहा होगा, महीनों से छन्ना नहीं खुला, उसमें बारीक बारीक जीव असंख्यात मरे हुए थे। खैर आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, घर में यदि छन्ना बांधते होंगे, घर में यदि थैली बांधते होंगे तो जिस समय जरूरत होती होगी उसी समय बांधते होंगे, और बाद में ऐसे ही करते हो ना। कहीं ऐसा तो नहीं करते कि सुबह बांधी और रात तक के लिए बांध करके छोड़ दिया। यदि ऐसा करते हो तो मत करना। आपको कोई बांध दे किसी पोल्ट्री के अंदर, कुएं से पानी भरती थी तो बिछानी कहां डालते थे, तुरंत कुएं के अंदर। और अब आप क्या करते हो, छन्ने को नल में बांध देते हो, पानी के साथ
जो जल काय के जीव आते हैं वे उसी में मर जाते हैं और सारा पाप चिंतन करना। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, जितनी जरूरत है उतनी लाइट का प्रयोग करो, जितनी जरूरत हो उतनी देर अग्नि को जलाओ। बिना प्रयोजन के कुछ लाइटें जलती रहती है, उससे क्या होता है, अग्नि का जीवों की विराधना होती है। जीवों के साथ साथ जो त्रस्त आए के जीव हैं, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीवों का भी विघात हो जाता है। वायु का एक जीव जरूरत हो तो ही पंखे को चला, और नहीं तो बैठे भी नहीं है फिर भी बाहर चल रहा है। वायु काय जीवों की हिंसा होती है, हमें इन हिंसा से बचना है। और इस बचने के लिए हमें संयम को धारण करना है। पहले के लोग और अभी भी लोग रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, करते हैं कि नहीं, और नहीं भी करते होंगे तो कम से कम इन 10-11 दिन तक तो कोई भी रात्रि में भोजन नहीं करता होगा। एक बार एक व्यक्ति को किसी महाराज ने रात्रि भोजन त्याग का नियम दे दिया। ध्यान रखना, नियम लिए जाते हैं, नियम दिए नहीं जाते। नियम लेने की चीज है, नियम देने की चीज नहीं है। मुनिराज ने रात्रि भोजन का त्याग करवा दिया। किसी मुनिराज का बीमार हो रहा था, वहां पर शाम को जब पहुंचे और शाम को पहुंचने के बाद रात्रि होने वाली थी, वहां के लोगों ने कहा, भाई जो दिन से भोजन करते हैं वे खड़े हो जाओ। तो दिन से भोजन करने वाले में से कितने खड़े हुए, मात्र कितने, एक। उनसे पूछ लिया गया कि भाई आप दिन से भोजन करते हो क्या, तो बोले हाँ, वो फलाने महाराज जी आए थे उनके चक्कर में। क्या कहा, वो फलाने महाराज जी आए थे उनके चक्कर में फंस गया। तब से क्या कर रहा, दिन में भोजन कर रहा हूं। पूछ लिया गया, भाई कितने साल हो गए, बोले 20 साल हो गए। कितने हो गए, 20 हो गए। 20 साल हो गए रात्रि में भोजन नहीं कर रहा, लेकिन मन में क्या है कि मैं फलाने महाराष्ट्र के चक्कर में फंस गया था, तो 20 साल से रात्रि में भोजन ना करते हुए भी वह
पुण्य का संचय कर रहा है कि पाप का, पाप का। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो दिन में नहीं खा पा रहा है, मजबूरी है, दुकान से लेट आता है और सोच रहा है कि हे भगवान, मेरे कौन से पाप कर्म का उदय चल रहा है, वह पुण्य का उदय कब आएगा कि मुझे दिन से भोजन मिलेगा। तो वह क्या कर रहा है, वह जब भी रात में खा रहा है, लेकिन चिंतन वह क्या कर रहा है कि दिन का चिंतन कर रहा है। बात संयम की चल रही है कि हमारा जीवन संयमित कैसे हो, किस प्रकार से संयम हमारे जीवन में आए। एक बार आहारचर्या के लिए कहीं पर पहुंचे तो वहां पर एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था। अंदर खड़ा व्यक्ति कह रहा है, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। आहार के बाद मैंने पूछा, भाई मुझे यहाँ आए 2 महीने हो गए, अभी तक आपको मंदिर जी में नहीं देखा। बोले, मेरा मंदिर आने का त्याग है। क्या बोला, मेरा मंदिर आने का त्याग है। मैंने कहा, लोग तो मंदिर आने का नियम लेती है, त्याग तो गलत वस्तु का दिया जाता है, आप मंदिर आने का त्याग कर रहे हो। बोले, वो फलाने महाराज जी आए थे, मैं मंदिर जाया करता था तो वे प्रतिदिन कहते थे कि कुछ नियम ले ले, कुछ नियम ले ले, आज का कुछ नियम ले ले। तो मैंने क्या नियम ले लिया, महाराज जी आज से मैं मंदिर नहीं आऊंगा। कितने साल हो गए, बोले 26 साल हो गए। कितने, 26 साल हो गए मैंने मंदिर की दहरी पर पैर नहीं रखा। पाप कर्म का उदय है कि पुण्य का, पाप कर्म के उदय में ऐसे भाव बने कि मंदिर नहीं गया। जब समझाया, समझ में आ गई और पुनः मंदिर जाना शुरू कर दिया। पाप करने के हृदय में जीव समझ नहीं पाता है, धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पाता है कि धर्म का स्वरूप क्या है। सुगम दसवीं व्रत की कथा आती है। प्रियंकर राजा और मनोरमा रानी दोनों धर्म से जुड़ थे। उनके अंदर जरा सी भी के प्रति लालसा नहीं थी, धर्म की जागृति नहीं थी। एक दिन उसी नगर में सुगुप्त नामक मुनिराज आहार चर्या के लिए आए। उन मुनिराज का शरीर
तपस्या के माध्यम से कृष्ण हो गया था। हड्डियां हड्डियां नजर आ रही थी। उन्होंने राज के ऊपर ग्लानी करके कि देखो तो कैसे हड्डियां हड्डियां दिख रही है, यह नंगा क्या कह रही है, यह जो नंगा है क्या इसे खाने को नहीं मिलता है। ग्लानी कर ली, खड़ा कर ली और पान चबा रही। मुनिराज को देख करके मुनिराज के ऊपर पान की पीठ थूक दी। जब मुनिराज के ऊपर पान की पीठ थूक दी, मुनिराज अंतराय करके बिना आहार लिए वहां से चले जाते हैं। काल सामने आ गया, मर जाती है और मर करके सूकरी बन जाती है। क्या बनती है? सूकरी बनती है और अनेकों पर्यायों में इस तरीके से मात्र मुनि की निंदा करने से, मुनि के ऊपर ग्लानी करने से, पीठ थूकने से कभी सूकरी बनती है, कभी कुकरी बनती है, कभी कुत्ते की पर्याय में जाती है, पता नहीं कितनी पर्यायों में वह चली जाती है। वहां से निकल करके आती है तो मगध देश के राजा के यहां पर कन्या के रूप में उसका जन्म होता है। अनेकों पर्यायों को धारण करने के बाद जन्म भी मनुष्य पर्याय में हो गया तो वहां भी शरीर कैसा मिला? दुर्गंधित शरीर मिला, इसीलिए उसका नाम दुर्गंधा रखा गया। उसके पास बैठना कोई भी पसंद नहीं करता था, उसके शरीर से इतनी बदबू आती थी। एक दिन नगर के बाहर उद्यान में किसी मुनिराज का आना हुआ। जब मुनिराज का आना हुआ, राजा को पता चला तो राजा भी अपनी बेटी को लेकर के मुनिराज के चरणों में गया और नतमस्तक होकर के बैठ गया और गुरुदेव से कहने लगा, मुनिराज से कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। यह जो बेटी है, इसने पूर्व में ऐसे कौन से कर्म किए थे कि इसके शरीर से दुर्गंध निकलती है, इसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता है। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। मुनिराज ने बताया, राजन, इसने पूर्व भाव में अहंकार में आकर के कि मैं एक राजा की रानी हूं,
शरीर को देख करके ग्लानी की थी और उनके ऊपर पान की पी थूकती थी। उसका परिणाम इसका शरीर दुर्गंधित हुआ है। राजा ने पूछा, महाराज श्री अब क्या उपाय है कि इसके जो पाप है वह सहज में कट जाए, इसने जो कर्म किए हैं उन कर्मों से मुक्ति कैसे मिले, बताइए गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में भादु के महीने में शुक्ल पक्ष में दशमी आती है, दशमी के दिन शीतलनाथ भगवान की पूजन करना, अर्चना करना और उनके नाम की जाप करना, उपवास करना, 10 साल तक करते रहना और बाद में जब 10 साल पूरे हो जाए तो उद्यापन कर देना, पुनः भगवान की अर्चना विधान करना। गुरुदेव के द्वारा जो बताया गया, दुर्गन्धा ने बड़ी भक्ति भाव के साथ पूजन की अर्चना की और बाद में आयु का जब अंत हुआ, मर करके स्वर्ग गई। स्वर्ग में अपना समय पूरा करके पुनः मगध देश के राजा के यहां पर आ गई। वहां पर उसका नाम मदनावती रखा गया। मदनावती की शरीर से क्या आती, खुशबू आती, इसीलिए उसका नाम मदनावती रखा गया। सुगंधित शरीर उसका विवाह बड़े होने पर हो गया और जब शादी हुई दोनों धर्मात्मा थे। एक दिन उन्हें पता चला कि मुनिराज आए हुए हैं, वे दोनों पति पत्नी मुनिराज के दर्शन करने के लिए गए और वहां पर जाकर के मदनावती के पति ने पूछा, गुरुदेव इसके शरीर से सुगंध क्यों आती है, खुशबू क्यों आती है। गुरुदेव ने बता दिया कि पूर्व पर्याय में यह दुर्गंधा थी, इसने शीतलनाथ भगवान की अर्चना की, पूजन की, 10 दिन तक, 10 वर्षों तक इसने क्या किया, व्रत किया, उपवास किए, जाप किए, इसका परिणाम इसका शरीर सुगंधित हुआ है। सुनते ही मदनावती के मन में वही पर
वैराग्य के भाव आ जाते हैं। कहती है पूजन करने मात्र से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है, और वह भक्ति में लग जाती है, वैराग्य की ओर बढ़ जाती है और स्त्री पर्याय का छेदन करके मोक्ष की प्राप्ति करती है। स्त्री पर्याय का छेदन करके कहा जाती है पुनः देव जाती है, नहीं तो आप गलत ले लो कि तुरंत मोक्ष चली गई। स्त्री पर्याय का छेदन करके वह देवगति की प्राप्ति पुनः करती है, और वहां से आकर के पुरुष बनती है, और पुरुष बन करके मुनि बन के स्त्री पर्याय का छेदन हो गया था, और मुनि बन करके मुक्ति सुख को प्राप्त करती है। तो बंधुओं उत्तम संयम का दिन है, हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ संयम, चाहे आप छोटा सा भी नियम लें, आज उत्तम संयम के दिन आप आजीवन भी नियम ले सकते हैं कि मैं आजीवन, आज से मैं यह नियम लेता हूँ। आजीवन नहीं ले सकते हो तो कुछ वर्षों के लिए ले लो, कुछ वर्षों का नहीं ले सकते हो तो एक वर्ष का ले लो, एक वर्ष का नहीं ले सकते हो कुछ महीने का ले लो, दीपावली तक का ले लो, और उतना भी नहीं ले सकते एक महीने का, और एक महीने का भी नहीं ले सकते तो कम से कम जितने दिन बचे हैं 5 तारीख तक का ले लो, और उतना भी नहीं ले सकते तो कम से कम आज का तो ले ही लेना, और आज का भी नहीं ले सको तो घंटे 2 घंटे का तो ले ही लेना। तो कम से कम इतना लोगे, और हो सकता है उसके बीच में आपके आयु का बंध हो जाए, गति का बंध हो जाए, तो आपको देव गति जाने से कोई नहीं रोक सकता। बोलिए उत्तम संयम धर्म की वाणी स्तुति के लिए कर्मत हो जाएंगे। जावाणी के ज्ञान से हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन देन, जो तेरी सन्मा गए सो पावे सुख चैन। नमस्कार।